सो गाइज़ वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल अनबॉक्सिंग मैनिया और लेके आया हूँ एक नया प्रोडक्ट। यह है सैमसंग का लेवल U2 नेक बैंड। दोस्तों ये एक बजट नेक बैंड है जो मिल जाता है सैमसंग जैसे ब्रांड की तरफ से। इस वीडियो में मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और इसकी फीचर्स के बारे में आप लोगों को बताऊँगा, तो बने रहिए मेरे साथ और इस पूरे वीडियो को देखिए। इसका प्राइस दिया 2,999 रुपीज़। 13 आवर्स टॉक टाइम और 18 आवर्स म्यूजिक प्ले टाइम है एंड 500 आवर्स स्टैंड बाई मोड में रह सकता है ये। इसमें 12 mm स्पीकर यूज़ किया गया है। तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिल जाता है। तो गाइज ये हमारा नेक बैंड है। इसमें सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन एक गाइड दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया जाता है। अधिक डिटेल के लिए इसे आप रीड कर सकते हैं, मैं इसे रख दूंगा फिलहाल साइड में। गाइज हमें दो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं डिफरेंट साइज के। वैसे हमारा मेन कंटेंट यही है। इसमें दोस्तों टाइप सी पोर्ट मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। ये मैग्नेटिक है। इस साइड में फ्रेंड्स हम लोगों को 4 बटन्स मिल जाते हैं। इसमें फर्स्ट बटन आपका पावर ऑन ऑफ का है, सेकंड आपका वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस ये, और थर्ड में दोस्तों ये आपका कॉल रिजेक्ट कॉल आंसर करने के लिए या तो फिर वॉइस असिस्टेंट को चालू करने के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि LED इंडिकेटर है। तो ये आपका माइक्रोफोन, यहाँ पे 2 माइक्रोफोन यूज़ किया गया है। तो दोस्तों ओवरऑल बॉक्स कंटेंट में हमें यही मिलेगा। चलिए दोस्तों इसे हम पेयर कर लेते हैं हमारे फ़ोन से और सुनते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्लूटूथ सेटिंग में जाना पड़ेगा। ब्लूटूथ सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों हमें इस नेक बैंड का पावर ऑन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे जो फर्स्ट स्विच मिलेगा उसको आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट ब्लिंक हो रहा है और दोस्तों इसमें वाइब्रेशन का भी दिया हुआ है, वाइब्रेट होता है ये। आपका कॉल या मैसेज अगर आता है तो ये वाइब्रेट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप LED ब्लिंक हो रहा है। अब वापस हम अपने फ़ोन में जाएंगे और यहाँ पे हम ब्लूटूथ को रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग लेवल U2 आ रहा है, इसमें हमें क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे पेयर करने के लिए बोल रहा है, इसे हम पेयर कर लेंगे। पेयर करते ही हमारे इसमें वाइब्रेट होगा और ये कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस हेडफोन के सभी फीचर्स मुझे अच्छे लगे, बट इसमें कुछ कॉन्स भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आप देख सकते हैं इसका जो डिज़ाइन है ये थोड़ा बल्कि डिज़ाइन है। इसका ये जो है काफ़ी चौड़ा है, देख सकते हैं आप, और ये एकदम रिजिड है, ये बिल्कुल भी फ्लेक्सीबल नहीं है। इधर फ्रंट का पार्ट फ्लेक्सिबल है दोस्तों, लेकिन बाकी जो एरिया है आपका ये फ्लेक्सिबल नहीं है। और दोस्तों दूसरा जो प्रॉब्लम मुझे इसमें थोड़ा फेस हुआ है वो है दोस्तों इसके जो कुशन्स हैं, इसको आप देखिए थोड़ा ध्यान से। दोस्तों इसका जो कुशन है ये कुछ पुराने डिज़ाइन का लग रहा है मुझे, जो कि पहले के ईयरफोन्स में यूज़ किया जाता था। और इसे जब आप काफ़ी देर तक अपने कान में लगा के रखेंगे तो आपको
थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो फील होता है। दोस्तों इसको कान में लगाने के बाद आइसोलेशन थोड़ा कम है, यानी कि बाहर का जो नॉइस है वो भी आपको सुनाई देता है। दोस्तों अगर ये दो जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताया हूँ इसके साथ अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो फिर आप इस हेडफोन को ज़रूर परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।